पिछले दिनों अदनान समी अपनी ताजा तरीन अहलिया के हमरा पाकिस्तान आए। जी बता, या उन्होंने वजीर आजम और नवाज शरीफ समेत मुख्तलिफ अहम सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकात की। सुना है कि वो जहांगीर बदर साहब से भी मिले। वो तो उनके जिगरी दोस्त हैं। अदनान साहब ने बताया है कि बदर साहब उनको बादाम भिजवाते रहे हैं। और हाँ, अदनान ने नवाज शरीफ साहब को अपने हमरा गाने की दावत भी दी। नवाज शरीफ साहब गाना गाएंगे, मगर उन्हें तो सिर्फ फोन पर गाने का तजर्बा है। हो सकता है वो भी अमिताभ की तरह कोई वीडियो शूट करा दे, थोड़ी सी लिफ्ट करा दो टाइप और इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल करें। अच्छा ये बताइए कि वजीर आजम गिलानी साहब से क्या बातचीत हुई। मौसीकी के फरोग पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। जी, गिलानी साहब ने पूछा होगा कि हमने कौम को जो तिगनी का नाच नचाया हुआ है उसके लिए कौन सी धुनें मौजूद रहेंगी, और अवाम जो हुकूमत के आगे बीन बजा रहे हैं उनका रिमिक्स कैसे बनाया जा सकता है, और काबीना के अरकान जो हुकूमती कारकर्दगी पर राग लाप रहे हैं उन्हें किस तरह सुनने के काबिल बनाया जा सकता है। यही हुई होगी ना गुफ्तगू। कुछ भी हो, अदनान समी को पाकिस्तान में बड़ा मजा आया। उन्होंने फैसला किया है कि अब वो जब भी शादी करेंगे पाकिस्तान का दौरा जरूर किया करेंगे। चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। लो जी, आप क्या समझ रहे थे कि ब्रेक खत्म नहीं हो गई? हो गई। तो हमारी आज की दूसरी शख्सियत जमायमा खान, ये नाम इन्होंने शादी के बाद रखा था और शादी खत्म होने के बाद भी ये नाम इन्होंने खान साहब को वापस नहीं किया। हम आज भी इनका एहतराम करते हैं। जी जमामा खान साहब, मुझे तो लगता है कि आप शुरू से ही खान साहब थी। क्या मतलब है इसका? देखें ना, आपने खान साहब से शादी की, आप 22 की और वो 44 के, ये खान साहबियत आप में शुरू से ही थी। कैसी बातें करते हो। अच्छा छोड़िए, आप ये बताएं कि आपने एक पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी की, अब हमारे शुएब ने सानिया के साथ शादी की है, आप इन दोनों शादियों को कैसे देखती हैं? मैं तो सब कुछ इन दोनों आंखों से देखती हूँ। आप किसी और तरह से भी देखता है? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब है कि अपने तजुर्बे से सानी को कोई मशवरा देंगे आप? मेरे केस में एक पर्सन बिजी था, खान साहब, तो वो नहीं चली। इस केस में दोनों दोनों बिजी हैं। तो फिर नहीं चलेगी? चल जाएगी, जब दोनों की मीटिंग ही नहीं होगी तो झगड़ा भी नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा तो किलकिल भी नहीं होगी। यू नो किलकिल? हाँ, वो जो दीवारों पे लगाए जाते हैं, किल किल। नो, किलकिल ये किलकिल कपल्स, आई मीन मियां बीवी को दीवार से लगाती है किलकिल। तो ये शादी जरूर चलेगी, 2-4 साल के बाद जब ये बिजी नहीं रहेंगे तो फिर तो होगी किलकिल। जब इनका स्पोर्ट्स का करियर खत्म हो जाएगा तो फिर इनका कमर्शियल्स का करियर शुरू हो जाएगा। ये दोनों पाकिस्तान और इंडिया के बहुत महंगे मॉडल्स बन जाएंगे, और जब इन्हें एक्टिंग आ जाएगी तो ये सियासत में आ जाएंगे। मेरा भी जायचा बनाइए जमायमा जी, आप तो बहुत अच्छी पेशन गोइयां करती हैं। वाह, अब तो मैं सिर्फ गोइयां करती हूँ। यू नो गोइयां, हेयर गो, देयर गो, गोइयां। अच्छा एक जाती सवाल, जब खान साहब अंदर थे, हालांकि उन्हें बहुत पहले अंदर हो जाना चाहिए था, वो काफी देर से हुए हैं, तो आपने इंग्लैंड में उनकी रिहाई के लिए कोई मुजाहरा किया था? यस, क्या था? इसका मतलब है कि खान साहब के लिए आपके दिल में अभी भी कुछ रह गया है ना। अब तो शोहर की सीट खाली हो गई है तो जिमनी इलेक्शन का प्रोग्राम नहीं है। पूरी दुनिया में सियासतदान, शोहर और ड्राइवर्स एक जैसे ही होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा भी बीवियों के बारे में यही ख्याल है। तो व्यूअर्स, शुएब और सानिया के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत। जाते जाते इस जोड़े के लिए एक गाना, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, गुड।
हैं।